सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नाइन्थ क्लास में आज हम पढ़ेंगे स्केल ड्राइंग। हमारा ज्योमेट्रिकल का सिलेबस जो है फर्स्ट टर्म का वो कंप्लीट हो गया था, तो आज हम स्केल ड्राइंग में पहली स्केल की पेपर बांट पढ़ेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा फुट्टा, एक आपको चाहिए ये वाले फुट्टे जो है स्केल कार्ड, ये 1 से लेकर 12 तक और उल्टे में ये 13 से लेकर 24 नंबर तक ये होते हैं, तो ये आपको चाहिए। और इसके लिए आपको क्लिक पेंसिल अगर आपके पास हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे पतली लाइन लगती है, नहीं तो एक आपको बड़ी पेंसिल चाहिए, एक आपको इरेजर चाहिए और आपको ज़्यादा इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ चाहिए। ये चीज़ें कुछ आपको चाहिए जो ज़रूरी है। तो हम कैसे इसको पेपर बांट करते हैं पहले स्केल की, सबसे पहले क्या होता है जब भी हम पेपर बांट करते हैं तो हमने जो हाशिया लगाना होता है शीट पे वो हमारा होता है 90 डिग्री का, हमेशा हाशिया 90 डिग्री में होता है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो मेरा तरीका है, मैं उस तरीके से आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं शीट को नाप लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ से नापता हूँ शीट को, ये मेरी आ रही है और 29.8 mm, तो ये 29.8 mm आ रहा है। अब मैं नीचे से भी शीट को नाप लेता हूँ, हाशिया लगाने का जो मेरा तरीका है मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ। आपके अध्यापक ने आपको अलग तरीका बताया हुआ, आप उससे भी लगा सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे यदि मैं देख रहा हूँ तो ये है 29.9 mm, सिर्फ इसमें 1 mm का फर्क है। बट ये फर्क जो है वो आगे जब आप स्केल ड्राइंग बनाते हैं तो फट्टियों में ज़्यादा आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो अपना तरीका है, जैसे मेरे पास यहाँ पे पेपर है, ये आपकी वीडियो लंबी हो सकती है इसलिए आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है, तभी आप अच्छे सीख सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे लगभग 30 सेंटीमीटर है, या मैं 29 ही अगर इसको मान के चलता हूँ, मेरा पेज बड़ा है और स्केल मेरी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये राउंड फिगर ले लूँगा, मैंने ये ले लिया 29 से 2 सेंटीमीटर पीछे मैं काट दूँगा 27। अब मुझे क्या करना है, मैंने ये 27 काट दिया है, अब बची हुई शीट के मुझे 2 बराबर भाग करने हैं। इससे क्या रहेगा, मेरा अंदर मान जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है, ये आपका है 27 काटने के बाद, ये आपका है 2.8 आ रहा है, तो हमने 1.4 एक साइड काट लेना है। 2.8 का मीन्स आपका 2 सेंटीमीटर और 8 mm मेरा ये आ रहा था, तो हमने क्या करना है 1.4 mm ये मैं यहाँ काट दूंगा और 1.4 mm में यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो ये मेरा अंतर मान जो बनेगा वो बनेगा पूरा 27 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पूरा मेरा अंतर मान 27 आ गया। इससे क्या होगा, एक तो मेरा अंदर का माप बराबर रह गया, दूसरा जो एक्स्ट्रा mm थे वो साइड में कट गए और हाशिया मेरा 90 डिग्री में आ जाएगा। यहाँ भी मैं इसी तरह से, अब मैं यहाँ पे भी पहले 27 काट दूंगा, इस तरह से 27 सेंटीमीटर काटने के बाद मैं बची हुई शीट के 2 बराबर भाग कर दूंगा। अगर ना मैं एक साइड काट लेता हूँ इसको, एक हिस्सा मैंने काट दिया और यहाँ से मैं अब सीधा 27 ही काटूंगा। तो ये देखो मैंने 27 ले लिया, अब मैं इसको मिला देता हूँ इस तरह से। इस तरह से मैंने लाइन लगा दी है, यहां भी मैं ये जिस तरह से लगा दी है मैंने लाइन इसमें। अब आपको मैं बताता हूं, आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरा अंतर मान जो है पूरा 27 सेंटीमीटर, देखिए आप पूरा 27 आ रहा है, इसलिए मेरी जो बाहर हाशिया है वो 90 डिग्री में और जो एक्स्ट्रा एमएम थे वो भी दोनों साइड निकल गए। अब मैं पेज को इधर को ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरा पेपर कितने सेंटीमीटर कितने एमएम का है। ये हम मेरा आ रहा है 21.2 से थोड़ा ज़्यादा है, 21.2 आप ले सकते हैं, एमएम में है तो उतना चलता है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे
मैं वही बात कर रहा था आपको। ये देखो यहाँ पे ऊपर जो है 21.2 mm से ज़्यादा था और यहाँ पे 21.2 भी पूरा नहीं। तो ये जो फर्क पड़ता है, ये आधे mm का फर्क है, ये आप कम मत समझिए। फट्टी मान के चलो आपका 2 mm की है और आगे आपके पास 1.5 mm बच रहा है, सॉरी आपके पास 2.5 mm बच रहा है या 3 mm बच रहा है, तो कहाँ उसको पूरा करेंगे। इसके लिए मैं सबसे आसान यही तरीका मानता हूँ, जैसे अब 21 है तो मैं 21 को राउंड फिगर मान करके 2 सेंटीमीटर पीछे 19, तो 19 काट दूंगा और 19 से आगे मेरे पास है 21.1 से भी थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा 1 सेंटीमीटर काट दूंगा और जो बचा हुआ ये 1.5 mm है, इसको मैं एक ही साइड को लेके जाता हूँ, यहाँ से मैं काट दूंगा 19। अब मुझे यहाँ से 19 सेंटीमीटर काटना है, इस तरह से मैंने ये 19 सेंटीमीटर काट लिया। ऊपर भी मैं यहाँ पे, जबकि यहाँ पे ये 2 mm पूरा है, तो मैं यहाँ पे यदि चाहूँ तो यहाँ पे मैं 1.1 काट सकता हूँ और आगे मैं 19 जो है वो सेंटीमीटर काट दूंगा इस तरह से, और इसको मैं मिला दूंगा इस तरह से। अभी आप देखते हैं, देखिए मैं इसको मिला देता हूं, हाशिए में बड़ा डिपेंड करता है कि आपका अगर हाशिया सही लगा है, बिल्कुल भी 1 mm भी ऊपर नीचे नहीं है, तो अंदर जब आप स्केल बनाएंगे तो इसकी जो फट्टियां होती है वो 1-1, 2-2 mm की फट्टी होती है, और आपने 1-1, 2-2 mm ही पहले गलत कर दिया है तो आपका जो स्केल है वो गलत हो सकती है, उसमें फ़र्क पड़ सकता है, या तो ज़्यादा रहेगा या फिर कम हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इस तरह से हमने हाशिया लगा दिया है। अब मैं आपको बीच में बताता हूँ देख करके, देखिए आप पूरा आपका 19 जो है वो बचा हुआ है, इस तरह से आपका हाशिया लग गया है। आप देख सकते हैं अपनी शीट पर आपका हाशिया लग के तैयार हो गया है इस तरह से। और हमने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा लाइन बाहर को है इसको आप मिटा सकते हैं इस तरह से, इस तरह से आप इसको रेज कर दीजिए, यहाँ भी आप इसको रेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये इसका हाशिया लगाना है बड़े ध्यान से। और अब हम क्या करेंगे, इसमें पेपर डिवीज़न करेंगे। तो पेपर डिवीज़न कैसे हमारी होगी, पहली स्केल की पेपर डिवीज़न है तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास 3 चीज़ें इसमें दी होगी, सबसे पहले हमने इसकी लेनी है लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 25 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने, आप एक रफ पेपर भी ले सकते हैं और आप कहीं पे भी इस तरह से लिख सकते हैं, और ये आपने जोड़ना है। एक्चुअल में क्या करना है आपने, मैं यहाँ पे एक रफ पेपर ले रहा हूँ, मैं एक रफ पेपर ले लेता हूँ, ये मेरी लेंथ थी 20 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ थी 5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट थी 25 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ को जोड़ना, तो ये भी 25 आ गया, और हाइट और ब्रेथ को भी जोड़ना तो ये आपका आ गया 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हमारी स्केल जो है वो हाइट में बननी, जो चीज़ ज़्यादा है उधर को हमने पेपर रखना है, आपकी जो स्केल है वो इस तरह से हाइट में बननी है, इस तरह से हाइट में बननी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेपर को हाइट में रखेंगे, पेपर आपका हाइट में हो चाहे आपका लेंथ में हो, यहाँ से हम जो है वो लेंथ और ब्रेथ ही काटेंगे। हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ रही थी 25 सेंटीमीटर और इसमें जो फुट्टा प्रयोग हो रहा था वो है 1.5। तो सबसे पहले हम ये जो स्केल कार्ड है इसमें हम ढूंढेंगे कि 1.5 सेंटीमीटर फुट्टा हमारा कौन सा है, और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका 7 नंबर जो फुट्टा है ये हमारा है 1.5 सेंटीमीटर का फुट्टा है। आप देख सकते हैं ये 1.5 सेंटीमीटर का फुट्टा है और हमारी लेंथ और ब्रेथ जो जोड़ के आ रही है वो हमारी है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने यहाँ से ऊपर से हाशिए के अंदर से यहाँ पे ये देखिए 25 सेंटीमीटर है, हमने 25 सेंटीमीटर काट दिया है। अब हमने क्या करना है, बची हुई जो आपकी शीट है इसके हमने बराबर 3 भाग करने, इन 3 भागों को करने के मेरे पास 3 तरीके हैं, मैं 3 मेथड आपको बताऊंगा जिससे आप इसके 3 भाग कर सकते हैं। देखो सबसे पहला मेथड हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, आमतौर पे बच्चे जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं कि जो आपकी
ये जगह बच गई है, ये आपकी जगह, आपकी आपने यहां से लेंथ और ब्रेथ काट दिया है। मैं यहां लिख लेता हूं लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपका यहां तक आ गया है 25, ठीक है। 20 हमारी लेंथ है और 5 आपका ब्रेथ है, तो ये 25 काट दिया। बची हुई शीट के आपने तीन भाग करने हैं। देखो एक तो बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से हम डिवाइडर लगा लेंगे ऐसे, 1, 2, 3, अब ये बच गया, फिर बढ़ा देंगे डिवाइडर को, फिर ऐसे इसको बराबर करते रहेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो मैं यूज करता हूँ, मैक्सिमम मैं यूज करता हूँ, मैं इसको नाप लेता हूँ कि कितना बच गया मेरे पास यहाँ पे, इस तरह से, और जैसे ये हमारा बचता है शीट जो बची है 13.9 mm बची है, इसका हम क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, 13.9, तो हम 3 से भाग देंगे, 4 × 3 = 12, ये 1 बच गया, तो यहाँ पे 9 आ गया, तो 3 का पहाड़ हम 19 तक पढ़ेंगे, तो 6 × 3 = 18, इसका आपका 0.1 बचता है, ये इसमें कवर हो जाएगा। तो लगभग हमने 4 cm और 6 mm हमने एक हिस्सा काटना है। हम क्या करेंगे, यहां से फुट्टे से 4.6, मैं आपको सिर्फ, वैसे तो आप ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि 4.6 हमारा एक भाग है, तीन भाग में से एक भाग है, फिर भी हम, मैं आपको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे निशान लगा देता हूँ 4.6, 1, आप देख सकते हैं 4.6, 2, और आप ये देखिए यहाँ पे, ये देखो 4.6, पूरा यहाँ पे 4.6 बच रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब एक और तरीका है, ये तो दो तरीके आगे, पहला तो हमने डिवाइडर से क्या था, उससे ज़्यादा समय लग गया था, ये जो हमारा जल्दी हो गया, हमने सिर्फ यहाँ से नाप दिया, हमारे को पता चल गया कि ये जो हमारा है ये 13.9 mm है, मैंने 3 से सीधा भाग दे दिया और जो हमारा बन गया वो ये आ गया है 4.6, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका आपका क्या है, हमने आपको रेखाओं के भाग करने बताए थे, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक न्यून कोण बना लेंगे, इस तरह से ऐसे एक न्यून कोण बना देंगे, आप डॉटेड लाइन लगाओ चाहे आप डार्क लगाओ, तो मैंने डार्क ही लगा दिए, तो इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इस रेखा को हमने यहां मिला देना लास्ट में, इस तरह से मिला दिया, और जो ये रेखा आ रही है इस रेखा के हमने बराबर, पहले हमने इसके बराबर तीन भाग करने हैं, जैसे ये आपकी आ रही है, ये देखो अब ये अपने आप ही मेरे पास आ गई है 12 cm है ये, तो 12 cm में 4 cm किसके तीन भाग हो जाने, 4, 8, ये देखो। अब हमने क्या करना है, यहां से हमने समानांतर रेखा खींचनी है, ये जो आपका पॉइंट आ गया था 1, 2 और 3, तो हमने ये जो रेखा आपकी आ रही है 3 और 0 वाली यहाँ पे है, इसके समानांतर रेखा जब हम खींचेंगे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखो तो ये भी यहीं पे आ रही है, ये देखो अब आ रही है, ये देखिए अगला इसी के समानांतर रेखा हम खींचेंगे, ये देखो यहाँ पे ये भी, ये इसी के साथ आ रही है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। देखो तीन तरीके हैं, सबसे आसान तरीका ये, दो आसान तरीके, या तो आप इस रेखा के तीन भाग कर लो और इसको यहाँ मिला दो, पर यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या देखना है कि आपको समानांतर रेखाएं आनी चाहिए, यदि आपको समानांतर रेखा लेनी आती है तो आप इस तरह से बिल्कुल सही तीन भाग कर सकते हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं। और दूसरा जो तरीका है, जो बिल्कुल सेफ साइड है, कि बची हुई शीट को नाप लो, जितने आपका बची हुई शीट के अंदर ये सेंटीमीटर और एमएम है, उसको 3 से भाग दे दो, जो आपका 3 से भाग फल आएगा उसको आप यहाँ काट दो, तो आपका ईजी हो जाएगा। अब आगे की प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ, आगे हमने क्या करना है, अब आपके पास ये एक भाग आया, अब यहाँ पे आप डिवाइडर यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक डिवाइडर यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे एक डिवाइडर ले लेता हूँ, ये है पूरा, मैं इसको नाप देता हूँ इस तरह से यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, एक भाग यहाँ पे छोड़ देना है, ये मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ इससे, ये यहाँ पे ऊपर भी और मैं यहाँ पे नीचे भी इससे निशान लगा देता हूँ इस तरह से ये, और हम इसको डॉटेड मिला भी देंगे,
थोड़ा हल्का मिलाएंगे, डार्क नहीं मिलाएंगे अभी, डॉटेड भी नहीं पर हल्का, बहुत हल्का हम इसको मिलाएंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ये तो आपका पहला भाग आ गया है, अब हम करेंगे लेंथ। लेंथ आपके पास कितनी है, और ये हम लेंथ जो है वो इसी फुट्टे से लेंगे, 1.5 नंबर फुट्टे से लेंगे, और इसकी जो लेंथ हमारी है वो है 20 सेंटीमीटर। तो हम इससे, इस फुट्टे से 20 सेंटीमीटर दोनों साइड काट देंगे, ऊपर भी और नीचे भी काट देंगे। ये मैं यहाँ काट रहा हूँ 20 सेंटीमीटर, और यहाँ भी मैं इसमें 20 सेंटीमीटर काट देता हूँ। 20 सेंटीमीटर काट दिया है, अब मैं इसको मिला लेता हूँ। पेंसिल का आपका खत बहुत पतला होना चाहिए ताकि वो सही लाइन उससे लगे। अगर ज़्यादा मोटा खत होगा तो एमएम तो ऐसे ही घेर लेगा, और तीन लाइनों में 3 mm वैसे ही आपका चला जाएगा, तो आपने बड़ा ध्यान रखना है। अब ये हमने सबसे पहले एक भाग लिया, फिर हमने लेंथ ली, अब हम एक भाग और ले लेंगे। ये देखिए मैं डिवाइडर एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ क्या मेरा सही है, डिवाइडर मेरा बिल्कुल सही है। अब यहाँ से मैं दूसरा भाग ले रहा हूँ, ध्यान रखना दूसरा भाग मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। नीचे भी मैं ऐसे यहाँ निशान लगा दूंगा, ये मेरा दूसरा भाग आ गया है। इस भाग को भी मैं मिला देता हूँ, इस तरह से मिला दिया। अब हमारे पास ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और यदि आप देख रहे हैं तो ये देखिए यहाँ बिल्कुल पूरा पूरा 5 सेंटीमीटर बचा है, एक भाग हमारा अपने आप ही पीछे बच गया है। तो मैं यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर का निशान लगा लेता हूँ, मैंने निशान लगा दिया है, और मैं इसको भी मिला देता हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारी लेंथ की जो साइड है वो पेपर डिवीजन हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये पहला भाग है, ये आपकी लेंथ है, ये आपका दूसरा भाग है, फिर हमने ब्रेथ, और फिर ये आपका एक भाग और बच गया। अब हमने क्या करना है इसकी, अब ये तो लेंथ की साइड हमारी हो गई है, एक्चुअली में पेपर आपका हाइट में है पर हमारी पेपर डिवीजन जो है वो लेंथ के साइड हुई है। अब हमने क्या करना है, जहाँ जिधर को हमने ये भाग काट रखे हैं इधर से हमने पेपर को यूं घुमा देना है। सबसे पहले अब जैसे हमने इधर को लिया था, अभी हमने पहले ब्रेथ और लेंथ को जोड़ा था, यहाँ हम क्या जोड़ेंगे, ब्रेथ और हाइट को जोड़ेंगे। सबसे पहले हमने हमारी जो ब्रेथ है वो है, ये मैंने पेपर पहले जोड़ कर रखा हुआ है, ब्रेथ आपकी 5 सेंटीमीटर है, हाइट आपकी 25 सेंटीमीटर है, और ये जोड़ के आ रहा है 30 सेंटीमीटर। तो हम 1.5 फुट्टे से 30 सेंटीमीटर काट देंगे, ये आपका है 30 सेंटीमीटर हमने काट दिया है। अब बची हुई शीट के हम बराबर 5 भाग करेंगे, तो हम शीट को नाप लेते कितनी हमारी बच गई है, ये हमारी है 21 सेंटीमीटर हमारी सीट बच गई है। मैं क्या करता हूँ 21 को 5 से भाग देता हूँ, तो 5 × 20 तो 1 सेंटीमीटर बचता है यहाँ पे, तो हम पॉइंट ले लेंगे, तो आपका ये आ जाएगा 5 × 10 4.2 mm हमारे 5 भाग हो जाएंगे। आप जैसे मैंने आपको लेंथ की साइड बताया था यहाँ पे बताया था, आप इसी तरह से भी ले सकते हैं, या आप डिवाइडर से ले लो, या आप जैसे मैंने अभी भाग करके जल्दी कर दिया ऐसे ले लो, या आप 3 समांतर एक न्यून कोण लेकर के उस रेखा के, इस बाहर वाली रेखा के 3 भाग कर दो, फिर समांतर रेखा खींच लो। इधर को आपने क्या करना है, यहाँ से न्यून कोण लेना है और उस रेखा के 5 भाग करने, मैंने सबसे ईजी कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, पहले हमने यहाँ छोड़ने 2 भाग, तो हमारा एक भाग जो आ रहा है वो है 4.2 mm का, तो 8.3
चार मैंने यहाँ छोड़ना है। ये देखिए 8 सेंटीमीटर और 4 एमएम ये मैंने यहाँ पे काट दिया है। अब हमने यहाँ से ये मेरा आ रहा है, हमने यहाँ से काटनी है हाइट। हाइट आपके कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो 1.5 फुट से मैं सबसे पहले हाइट काट दूंगा। ये आपकी हाइट है 25 सेंटीमीटर और हमने इसके बाद एक भाग काटना है। एक भाग कितना हमारा है 4.2 4.2। अब हमने क्या करना है, ये आपकी हाइट है, ये आपके दो भाग है यहां तक, ये आपकी हाइट आ गई, ये आपका एक भाग आ गया। अब आपने काटनी है ब्रेड्थ और हमारी ब्रेड्थ है 5 सेंटीमीटर मैंने काट दी है। ये आपकी ब्रेड्थ है, अब हमने काटने हैं या हमें बचे होने चाहिए हमारे पास, ये आप देख सकते हैं 8.4 भाग। इस तरह से आपका ये बराबर आ गया। इधर को भी आपने इसी तरह से करना है, इस साइड को यहां से हम यहां पे हम काटेंगे 8.4 काट देंगे। फिर हमारा है हाइट, हाइट हमारी है 25 सेंटीमीटर, हम यहां पे 25 सेंटीमीटर काट देंगे। फिर हमारा है एक भाग 4.2 काट देंगे। फिर हमारा है 5 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ले लिया है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास बचा होगा 8.4 और देखिए 8.4 हमारा पूरा पूरा यहाँ पे बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम ये लाइन मिला देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यदि आप थोड़ा सा एडवांस सोचे, चलो मैं लगा लेता हूँ अभी पहली ही स्केल, इसलिए अभी मैं आप पे ज़्यादा जोर नहीं डालूंगा दिमाग में आपके। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ चीज़ों से बच सकते हैं, कुछ लाइनें मिटाने से आप बच सकते हैं, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से हम लाइनें लगाएंगे और ये आपकी जो है वो पेपर डिवीजन पहले स्केल की हो गई है। इस तरह से आपकी पेपर डिवीजन हो गई है। अब हमने क्या करना है, जो ये भाग है आपका, जो हमने भाग छोड़ा था, भाग की सारी लाइनें हमें मिटा दी। हमारे पास जो भी भागों में आई ये लाइनें, ये हम मिटा देते हैं। ये लाइन हमारी, हमने दो भाग छोड़े थे तो इसमें जो लाइनें आई थी हम मिटा देते हैं। इस तरह से देखो इतनी हल्की हमने लाइनें लगानी है कि जब आप मिटाएंगे तो पता भी ना चले कि यहाँ लाइन थी। देखो कितनी आसानी से मिट गई है, ये हमारा एक भाग छोड़ा था तो इसमें भी हम ये लाइन मिटा देंगे। ये लाइन नहीं हम मिटाएंगे, ये एक्स वाई लाइन है। इस तरह से अब जो हमारे पास लाइनें बची है, इन लाइनों को हम थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे और ये आपकी एक्स वाई लाइन है जिसके ऊपर आपकी स्केल बनेगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा मिटा दो जहाँ आपने एक्स लिखना है, यहाँ भी इस लाइन को थोड़ा सा मिटा दो जहाँ आपने वाई लिखना है। ये आपका है एक्स और ये है वाई। इस तरह से आपकी पेपर डिवीजन जो है वो बन गई है हमारी। पहले स्केल में आपका एच दिया हुआ है तो एच की ये पेपर डिवीजन आपकी है। यहाँ हम लिखेंगे इसमें एलिवेशन, यहां आपकी आ जाएगी साइट प्लान और यहां पे प्रोजेक्शन आ जाएगा। इस तरह से ये मैं बताऊंगा आपको कैसे ये आपने सही तरीके से लिखना है। फिलहाल आपकी ये पेपर डिवीजन है। पेपर डिवीजन से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। यदि कोई अध्यापक भाई मेरी वीडियो देख रहा है और इस वीडियो में बनाने में मुझे कोई कमी रह जाती है पेपर डिवीजन में, या आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ मैं बहुत अच्छा समझूंगा कि आपने मुझे गाइड किया, मुझे समझाया, और अगली बार जो मैं वीडियो बनाऊं पेपर डिवीजन पे
उस पर वो गलती नहीं रहे। यदि कोई गलती रहती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। इस तरह से ये आपकी पहले स्केल की, जो आपकी नाइन्थ क्लास की पहली स्केल है, एच की जो स्केल है, उसकी पेपर डिवीज़न बन के तैयार हो गई है। इस तरह से ये पेपर डिवीज़न आपकी हो जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ हमने ली थी लेंथ और यहाँ ली थी हाइट, ऊपर दो भाग थे, तो वही खाना हमारा डार्क रह रहा है। यहाँ आपने इस खाने में देखो, यहाँ पे दो भाग छोड़े थे, फिर हाइट छोड़ी थी, यहाँ से आपने एक भाग छोड़ा था, फिर लेंथ छोड़ी थी, यहाँ आपने ब्रेड छोड़ी थी। ये देखो, ये भाग था तो भाग वाले लाइनें मिट जाती है। ये आपने एक भाग छोड़ा था, फिर आपकी ब्रेड आई थी, फिर एक भाग था, तो ये आपने काट दिया, ये आपको हमने मिटा दिया। यहाँ भी इसी तरह है, यहाँ से आपने एक भाग छोड़ा था, फिर आपकी ब्रेड थी, तो ये देखिए ब्रेड है, ये आपकी यहाँ से लेंथ है। तो जो आपका माप है, लेंथ ब्रेड हाइट है, वही जो खाने हैं आपके, वही वर्ग जो आपके हैं, ये आपकी आयत है, यही आपकी डार्क रहती है। बाकी जो हमने भाग छोड़े थे वो हमारी लाइनें मिट जाती है। और इस भाग छोड़ने का मतलब है कि हमारी जो आकृति है वो सेंटर में बने। इस तरह से आपकी पेपर डिवीजन बन के तैयार हो गई है नाइन्थ क्लास की।